डोर को हम ऊपर सेट करके हम डिस्प्ले निकालेंगे। अब देखते हैं हमारा डिस्प्ले कैसा बनता है। देखिए आप, ये रियलमी का फोल्डर था जो हमने पंच किया था और बबल रिमूवर में डाला था। देखिए आप। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि जागीर, जागीर एंटरप्राइजेज ओशके मशीन से। आज हमारे साथ सुल्तानपुर से है, जो हमारे पास में है 50 किलोमीटर दूर है। इनका नाम है श्याम सुंदर जी और इनकी फर्म है जय माता दी के नाम से। आज ये ओशके ऑल इन वन मशीन जो टैबलेट साइज की है, इसको डेमो और परचेज करने के लिए आए हैं। साथ में रियलमी टाइप का होल्डर भी है इनका, जो साफ करके कंप्लीट कर रखा है। ओशके वाला ग्लास लगेगा इसके, रियलमी का सेट है ये। और ये हमारी ऑल इन वन ओशके मशीन, सारा सेटअप कंप्लीट, पंचिंग, बल्ब रिमूवर पूरा कंप्लीट है इसके अंदर, अलग से कोई आइटम नहीं लेना है। तो आज ये इसका ग्लास है ओशके वाला, इसको हम बनाएंगे अपने इस मशीन पर, जो बहुत कम प्राइस की लो बजट मशीन है। ठीक है सर, देखिए आप, इसका जो ओशके का एक्स्ट्रा पन्नी होती है उसको हम निकालेंगे। ये एक्स्ट्रा पन्नी ओशके की होती है, ये निकाल ली हमने और इसको पूरा ये हमने रख दिया बिल्कुल सावधानी से चारों तरफ से, और ये कहीं ना कहीं से ऑटोमेटिक चिपक जाएगी। यदि नहीं चिपकती है तो इसको हम सेंटर में टिक कर देंगे। ये हमने सेंटर में टिक कर दिया तो सेंटर से चिपक गई है, और इसका फ्लेक्स को हम इसके अंदर फोल्ड कर देंगे इस प्रकार से। अब आगे की प्रोसेस देखिए आप, ये हमने इसके अंदर रखा पंचिंग बॉक्स में। काफ़ी बड़ा पंचिंग सेट है ये, 14 इंच का पंचिंग सेट है। ये सेंटर में हमने रख दिया है, देखिए आप। फ्लेक्स को पेड़ के नीचे रख रखा है, देखिए, और डोर को हम लॉक कर देंगे। इसके बाद से हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। देखिए आप, मशीन पावर बटन से ऑफ है, एयरबैग बटन का जो बटन है ये ऑन रहेगा, पंचिंग बटन ऑफ रहेगा, और मशीन का जो पावर बटन है इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करते हैं हमारा वैक्यूम स्टार्ट हो जाएगा, यदि नहीं होता है तो हल्का सा पुश कर देंगे। देखिए ये इसको -25 तक हम लेके जाएंगे, ये 25 आ रहा है वैक्यूम को। टेम्परेचर ऑटोमेटिक है, ये ऑटो हीट होता है, ऑटो कूल होता है। पंचिंग के लिए मात्र दो बटन है, ये एयरबैग बटन और पंचिंग बटन। इस टाइम पे आप देखिए, पंचिंग बटन ऑफ है, एयरबैग बटन ऑन है, और हमारा वैक्यूम पहुंच चुका है। देखिए आप, 25 पे पहुंचने वाला है हमारा वैक्यूम। देखिए आप, जब 25 पे पहुंच जाएगा तो 2-5 सेकंड और चलने देंगे वैक्यूम को। ये हमारा 25 पे पहुंच गया है। अब एयरबैग के बटन को हम ऑफ करेंगे और पंचिंग का बटन जो हमने सिंबल दे रखा है यहाँ तक ऑन करेंगे। ये पंचिंग का बटन हम सिंबल तक ऑन करेंगे। देखिए बाप, ये हमने ऑफ किया और पंचिंग का बटन जो सिंबल तक ऑन करेंगे। देखिए आप, ये पंचिंग हो रहा है। देखिए बाप, ये पंच हो रहा है हमारा फोल्डर। ये पंचिंग कंप्लीट हो गई है हमारी। अब हम इसको एयरबैग के बटन को ऑन करेंगे जिससे इसका प्रेशर डाउन हो जाएगा और पंचिंग का जो बटन है इसको पूरा ऑन कर देंगे। अब हम चेक करेंगे हमारा पंचिंग कैसी हुई है। ये रियलमी 5 का फोल्डर था ग्लास वाला, जिसपे ग्लास लगाया हमने। अब इसकी पंचिंग देखिए आप,
यह पंचिंग हुई है इसकी, हल्के फुल्के डॉट हैं मात्र, यहाँ पर हल्के फुल्के डॉट है, बाकी एक नंबर पंचिंग हुई है। अब इसको हम बबल रिमूवर में डालेंगे। बबल रिमूवर में एयर रिलीज का बटन जो है ये ऑफ करना है हमें, और इसको इस प्रकार से हम डाल देंगे। और डोर को लॉक कर देंगे। ये डोर लॉक हो गया हमारा, प्रेशर स्टार्ट हो गया है, ये देखिए प्रेशर स्टार्ट हो गया है। ये बबल रिमूवर जो आप देख रहे हो उसकी साइज देखिए आप, बबल रिमूवर की काफ़ी बड़ा बबल रिमूवर है, टैबलेट आप आराम से रख सकते हो इसमें, एक बार में 10-10, 15-15 LCD रख सकते हो आप इसके अंदर। और जो पंचिंग की जो साइज है आप देखिए, पंचिंग साइज 14 इंच का पंचिंग है ये, इसकी हाइट 14 इंच है और विड्थ 9 इंच है। सभी टैबलेट इसमें आ जाते हैं, ये टैबलेट साइज ओशिया मशीन है विद हीटिंग सिस्टम। मार्केट में आने वाली मशीनों से आधी कीमत की मशीन है ये, जो टैबलेट साइज एज सपोर्ट करती है। ये प्रेशर हमारा 40 क्रॉस कर चुका है, देखिए। इस मशीन के अंदर आपको किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं रहता है, ये ऑटोमेटिक ऑटो कट मशीन है, ऑफ हो जाती है। हीटिंग स्टार्ट, ये अपना प्रेशर लेगी, 80 करके 6 kg क्रॉस करेगी और उसके बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। और मेरा एड्रेस है राजस्थान जिला कोटा, डिस्ट्रिक्ट कोटा। जो भी व्यक्ति मशीन परचेज करना चाहता है वो मुझे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें। और यदि आप आकर लेना चाहते हो तो आप राजस्थान में आना है आपको, डिस्ट्रिक्ट कोटा है। ये देखिए 80 क्रॉस कर रही है मशीन हमारा प्रेशर। अब यदि कोई इसको चला के भूल जाता है तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, देखिए अभी आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। ये ऑफ हो गई हमारी मशीन, अपना प्रेशर लेके ये बंद हो जाती है, इसमें किसी प्रकार का कोई डैमेज कोई रिस्क नहीं है। पूरी मशीन मेंटेनेबल मशीन है, चाइनीज नहीं है। अब 5 मिनट के लिए हम बबल रिमूवर में हमारे फोल्डर को रखते हैं, इसके बाद देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। 1 मिनट पंचिंग का है टाइम इसमें और बबल रिमूवर का 5 मिनट का है, टैबलेट साइज मशीन है ये। 5 मिनट बाद चेक करते हैं हम कैसा फोल्डर तैयार होता है हमारा। मशीन में हमने रियलमी का फोल्डर दिया, अब हम मशीन का पावर बटन ऑफ करेंगे और एयर रिलीज के बटन को सिंबल तक ऑन करेंगे। प्रेशर रिलीज हो रहा है, देखिए आप हमारा। इसमें आप किसी भी प्रकार का डिस्प्ले पंच कर सकते हो, एप्पल हो, आईफोन हो, फ्लैट हो, सभी प्रकार के लिए ये अवेलेबल है ये मशीन। और ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आप देखिए, ये कॉन्टेक्ट नंबर है मेरे, और डिस्प्ले पे यूट्यूब स्क्रीन पे भी आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई देंगे आप। अब पूरा अपन ऑन कर देंगे हम प्रेशर रिलीज का, देखिए डोर हमारा ऊपर ऑटोमेटिक ऑन हो गया। डोर को हम ऊपर सेट करके हम डिस्प्ले निकालेंगे, अब देखते हैं हमारा डिस्प्ले कैसा बनता है।
देखिए आप, ये रियलमी का फोल्डर था जो हमने पंच किया था और बबल रिमूवर में डाला था। देखिए आप, किसी प्रकार का कोई डॉट आपको नज़र नहीं आएगा, प्योर नीड एंड क्लियर फोल्डर बना है। देखिए आप, कहीं आपको डॉट नज़र आया तो सही है, एकदम जो मार्केट में जो कॉम्बो आते हैं उस कंडीशन में आपको फोल्डर मिलेगा ही। देखिए आप रिजल्ट देखिए इसका, बिल्कुल क्लियर फोल्डर है, ये हल्की फुल्की डस्ट आ जाती है। बिल्कुल क्लियर फोल्डर है, रियलमी का 5 था ये, और ये सुल्तानपुर से है, जय माता दी के नाम से इनका फर्म है। इस मशीन को परचेज करने के लिए आप मेरे आपको यूट्यूब पर डिस्प्ले मेरे कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई दे रहे होंगे, उस पर आप मुझे कॉल करें, और ये किसी प्रकार का फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।